जय हनुमान जी। मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हंसता फ्यूचर में। आज हम बात करेंगे मई माह में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के 12 महीनों का अपना अलग ही महत्व होता है। व्यक्ति किस महीने में जन्मा है उससे उसके स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़ी बहुत सी बातें पता लगाई जा सकती है। आइए अब आपको मई माह में जन्मे लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर तथा प्यार के बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, यदि हमारा चैनल हंसता फ्यूचर से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी का कृपा बना रहेगा। मई महीना में जन्मे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने हर काम को बहुत पैशनेट तरीके से करते हैं। आसान काम के बजाय ये हमेशा मेहनती काम को चुनते हैं और उसमें अपना बेस्ट देते हैं। ये लोग खुद को ही मोटिवेट करते हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति कभी टूटने नहीं देते हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी काम को अधूरा छोड़ना इन्हें पसंद नहीं होता है। मई में जन्मे लोग शांति स्वभाव के साथ ही थोड़े जिद्दी भी होते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण इन्हें कभी कभी परेशानी भी उठानी पड़ती है। पैसा के मामले में मई में जन्मे लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन साथ ही पैसों की बचत का भी ध्यान रखते हैं। मई में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है, इसलिए इनका प्रेमी जीवन बहुत ही रोमांटिक होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को प्रेम वासना का प्रतीक माना गया है। हालांकि विपरीत लिंग वालों के साथ घुलने मिलने में इन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। मई महीना में जन्मे लोग कला से लेकर रसायनों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। आप कलात्मक और उत्साही होते हैं। लोग आपको बुद्धिमान व्यक्तित्व के मानते हैं, लेकिन आपके विचार ज्यादातर अपरंपरागत और अव्यवहारिक होते हैं। मई माह में जन्मे लोग कंप्यूटर इंजीनियर, पत्रकार, पायलट या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इस माह में जन्मी लड़कियों को फैशन का अच्छा ज्ञान होता है तथा इस क्षेत्र में ज्यादा कामयाब होती है। मई महीने में जन्मे लोगों का लक्की नंबर 2, 3, 7, 8 तथा लक्की कलर हल्का पीला, सफेद, मरीन ब्लू और मेहंदी होता है। लक्की दिन सोमवार, रविवार और शनिवार तथा लक्की रत्न पन्ना ब्लू टोपाज होता है। मित्रों, यदि हमारे द्वारा बताए गए सभी बातें पसंद आई हो तो हंसता फ्यूचर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हनुमान जी।